दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कैसे बना? कलाकार थॉमस मोरान 1871 में येलोस्टोन गए और इसके गीजर और अनोखे नजारों की तस्वीरें बनाई। ये तस्वीरें अमेरिकी राजनेताओं को दिखाई गईं और उन्हें येलोस्टोन को ऐसे इलाके का दर्जा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिसका संरक्षण होना चाहिए। लेकिन येलोस्टोन पार्क के बनने से यहाँ के मूल निवासियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके इतिहास और जमीन की देखभाल को नजरअंदाज कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यानों के बनने से इन लोगों को अपने ही घर से निकाल दिया गया। इसलिए कुछ अमेरिकी जमीन मूल निवासियों को लौटाई जा रही है और अब राष्ट्रीय उद्यानों के कामकाज में उनका सहयोग लिया जा रहा है।